तो गाइज आप भी क्या कभी हार रहे हो और कभी जीत रहे हो, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप ज्योतिष प्रिडिक्शन को ट्राई करो और विश्वास करो और फिर देखो आप हर बार जीतोगे। तो चलो गाइज अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आज के मैच के बारे में बात करें, टेस्ट मैच के मैच के बारे में जो कि खेला जाएगा इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच। ये है दूसरा टेस्ट मुकाबला। तो गाइज आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि आपको आप इतने बड़े बड़े यूट्यूबरों के एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन, ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन, सभी के सभी मैच प्रेडिक्शन देखते हो आप और उन्हीं टीमों को बहुत सारे जने बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं और उन्हीं के उन्हीं सेम टीमों के साथ आप ड्रीम इलेवन में खेलते हो। अगर आप करोड़पति पहले नंबर पर भी आए तो एक नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा जने आएंगे, इसलिए वो अमाउंट भी कम हो जाएगी, इसलिए उनके वीडियो को देख के करोड़पति बन पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं आपको ऐसा आसान प्रेडिक्शन बता दे रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन, और यह प्रेडिक्शन अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरा पिछले मैच का प्रेडिक्शन आप चेक कर सकते हो जो कि किया था बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के मैच का। व्यू कम है लेकिन प्रेडिक्शन की बस 2 मिनट की वीडियो है, उसमें पूरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सत्य है, कम खिलाड़ियों को बताया है लेकिन सही प्रेडिक्शन है। तो गाइज मैं जितना भी बात करूंगा वो बहुत ही बहुत सत्य बात करने वाला हूं और ये सभी के सभी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन ये वीडियो में ज़्यादा अच्छी एडिटिंग नहीं है इसीलिए गाइज सॉरी गाइज, लेकिन आप हर एक वर्ड को पूरी वीडियो को देखना और बहुत ही सत्य बताया हुआ है कौन से खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन रहेगा। और इसी के साथ साथ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आपसे मैं आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूँगा कि आप वीडियो को स्किप कर करके मत देखना वरना आधे अधूरे ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं पहले इंडिया के खिलाड़ियों के बारे में, किस खिलाड़ी का कैसा प्रदर्शन रहेगा राशि और ज्योतिष के अनुसार। ये कोई ग्राउंड पिच रिपोर्ट से लिया गया प्रेडिक्शन नहीं है, ये सिंपल प्रेडिक्शन है राशियों के अनुसार और ग्रहों के अनुसार। तो चलो शुरुआत कर ही लेते हैं। तो मेरे भाई लोग आपको आज के दिन इंडिया वर्सेस टेस्ट मैच में बहुत अच्छा खेलते हुए दिखाई देंगे इंडिया टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल का बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी राशियों के ग्रहों के आंकड़े कह रहे हैं जो कि बने हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं। गाइस ऐसा लग रहा है कि सबसे अच्छे सी खिलाड़ी के बने हुए हैं, अगर ये इस दिन खेले इस टेस्ट मैच में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वाले में तो इनका बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन अवश्य रहेगा। ऐसा लग रहा है इनके राशियों के आंकड़े बहुत ही तगड़े बने हुए हैं और ये बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करके देंगे अपनी टीम के लिए अक्षर पटेल। इसी के साथ साथ अगर मैं इंडिया के पहले दिन के पहले इस टेस्ट मैच के दिन के बारे में बात करूं, पहले दिन के बारे में अगर इंडिया की पहले बैटिंग आई और बैटिंग चुनी तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल का तो पक्का नहीं पता, लेकिन रोहित शर्मा का बहुत अच्छा खेलेंगे और शुभमन गिल के भी 50% से ज़्यादा अच्छे चांस बने हुए हैं खेलने के। यशस्वी जायसवाल के भी अगर इंडिया की पहले बैटिंग आई और पहले दिन उन्होंने बैटिंग की, पहले दिन के आंकड़े हैं गाइस ये, फिर ये बदल जाएंगे लेकिन अक्षर पटेल के अवश्य ऐसे ही रहेंगे, वो अपना पूरी सीरीज़ में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करके देंगे अपनी टीम के लिए। और गाइस इसी के साथ साथ पहले दिन रविचंद्र अश्विन का भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहेगा अपनी टीम के लिए, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। और इसी के साथ साथ अगले खिलाड़ी हैं इनका भी पहले दिन बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन के एक जैसे आंकड़े बने हुए हैं राशियों के अनुसार और इन दोनों का पहले दिन बढ़िया प्रदर्शन रहेगा अपनी टीम के लिए, पहले दिन के कह रहा हूँ गाइस मैं ये बात सारे की सारी। तो अगर गाइज आपको विश्वास नहीं है तो मेरे पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच में जोन सा मैच हुआ था मैंने वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप उस वीडियो का प्रेडिक्शन चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें पहले ही कह दिया था कि किस खिलाड़ी का कैसा प्रदर्शन रहा था और सभी के सभीों का वैसा ही प्रदर्शन रहा था उस मैच में। साकिब अल हसन का कहा था मैंने और उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन कहा था और उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा भी था उस मैच में। तो इसी के साथ साथ मैं अगर इस मैच के बारे में बात करूं तो इंडिया के शुरू वाले 2 दिनों के बाद दो दिन हो जाएंगे तो फिर मैच शुरू हुआ तो ईशान किशन और विराट कोहली का बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन रहेगा इस मैच में। तो गाइज आप वीडियो को स्किप कर मत देखना क्योंकि अब मैं सारे के सारे पहले भी ध्यान से राशियों का जानकारी दी है हर एक प्लेयर के बारे में भी आप ध्यान से सुन ले। और अब हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ के बारे में। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से आपको अल्जारी जोसफ का बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिलेगा इस मैच में। और इसी के साथ साथ अगले खिलाड़ी हैं जिनका ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा उनके बारे में बता रहा हूँ मैं, वो हैं जेसन होल्डर का लगभग बीच का प्रदर्शन रहेगा, बीच से कम का, लेकिन अल्जारी के बहुत ही तगड़े आंकड़े बने हुए हैं, इनका जबरदस्त प्रदर्शन रहेगा इस मैच में, टेस्ट मैच में। इसी के साथ साथ गाइड वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।